यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार है, क्योंकि समाजवादी पार्टी आज महंगाई कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में हंगामा कर सकती है। सरकार और विपक्ष में महंगाई कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तकरार तय मानी जा रही है। आपको बताएं कि पहले दिन सपा ने सदन की कार्यवाही में हिस्सा ही नहीं लिया। सपा ने सड़क पर महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, पैदल मार्च की कोशिश की, हालांकि आगे बढ़ने नहीं दिया गया। जो रूट था उससे डेविएट करते हैं, लेकिन वहीं पर धरने पर बैठ जाते अखिलेश यादव और उनके विधायक, सपा कार्यकर्ता और समर्थक। तो देखिए, मॉनसून सत्र मूसलाधार भिड़ंत ये तय माना जा रहा है। कैसे? देखिए, सत्र की कार्यवाही का आज दूसरा दिन है। विधेयकों को पटल पर आज सरकार रखेगी। आज की कार्यवाही हंगामेदार हो सकती है। कल सपा ने कार्यवाही में हिस्सा ही नहीं लिया, सड़क पर प्रदर्शन करती रही समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। मुद्दा महंगाई समेत कई और मुद्दे थे जिनका विरोध हुआ था। अखिलेश सरकार ने सरकार को घेरने की फुल प्रूफ रणनीति बनाई। शिवपाल यादव पर भी सदन में निगाहें होंगी कि वो आखिर किस तरफ बैठेंगे या फिर किस नजरिए से उनका जो रुख है वो सामने आएगा। कुल मिलाकर के हंगामे के आसार पूरी तरीके से बने हुए हैं। आज दूसरा दिन है और सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का, जो विधानसभा से सीधा जुड़ेंगे। तो विवेक, ये तो माना जा रहा है कल का दिन सांत्वना था, शोक संदेश वाला दिन था, लेकिन आज के दिन हंगामे की असली तस्वीर सदन के भीतर आ सकती है। कैसी, कैसा इनपुट है? बिल्कुल स्नेहलता, देखिए कल समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष का दिन था, सड़क पर लड़ाई का दिन था, सड़क पर। आज से चार दिन के लिए वो संघर्ष वो लड़ाई यहाँ आ जाएगी, विधानसभा भवन ये सामने। इसी सदन में संघर्ष और लड़ाई सपा की भाजपा के खिलाफ, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ यहाँ होगी, और तमाम मुद्दे इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। कल धरना प्रदर्शन के बाद और जो पदयात्रा के बीच में रोका गया, उसके बाद जो घंटों हंगामा हुआ, उसके बाद देर शाम तक समाजवादी पार्टी ने मीटिंग की है, बैठक की है मुख्य सचेतक मनोज पांडे के साथ, तमाम मुद्दों पर चर्चा की है, कई फाइलें वो लेकर आए। मैं शाम को वहीं था, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर रिपोर्टिंग कर रहा था, तभी अचानक मनोज पांडे हड़बड़ाते हुए आए, दौड़े और उनके हाथ से फाइलें और कागज गिर रहे थे। यानी अखिलेश यादव ने उनको बुलाया था तत्काल, और 10-15 मिनट की मुलाकात के बाद अखिलेश यादव अपने आवास चले गए और मनोज पांडे बाहर निकले और सभापति के पास, यानी विधानसभा के सभापति के पास चले गए। कल दिन भर कागजी तैयारी, दस्तावेजी तैयारियों का दिन था, और आज वो तैयारियां सदन में देखेंगे। यानी जो मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, जो समस्याएं हैं जनता की, जिस बात को समाजवादी पार्टी हमेशा अपने भाषण में, अपने आंदोलन में, धरना प्रदर्शन में उठाती रही है, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, जो भी मुद्दे समाजवादी पार्टी ने उठाए हैं, आज उन पर सवाल जवाब होगा और सीधे सरकार से सवाल पूछा जाएगा। छोटी छोटी समस्याएं अलग अलग जनपदों के विधायक लेकर आएंगे, यानी जो भी पूरी टीम है समाजवादी पार्टी की, 110 विधायक सब मिलकर आज सरकार को घेरेंगे। आज पहला दिन है, और ये भी हो सकता है कि यही चरण सिंह की प्रतिमा पर, जिस दिन 14 सितंबर को कहा था कि यहाँ पर धरना शुरू करेंगे 18 सितंबर तक, हालांकि वो रोक दिया गया, धरना प्रदर्शन नहीं हो पाया, ये स्वर्गीय चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है, यहीं पर बैठ सकते हैं आज फिर से। यानी समाजवादी पार्टी के जो विधायक आएंगे वो यहाँ धरना भी दे सकते हैं, और इसके लिए तैयारियाँ पुख्ता की गई हैं, पुलिस प्रशासन के इंतजाम हैं। हालांकि आपको बाहर नहीं दिखेंगे, क्योंकि आज बाहर उस तरह का कोई पदयात्रा या पैदल मार्च या बाहर से, यहाँ ये गेट नंबर एक है सामने इधर, और वहाँ से आएंगे, आने का था कल लेकिन रोक दिए गए। आज यहाँ पर कोई ऐसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। सदन 11 बजे शुरू होगा, 11 बजे के पहले पहले सुरक्षा ड्यूटियाँ तो लग जाएंगी, लेकिन सदन के अंदर कल अंदर की तैयारियों को लेकर JCP लॉ एंड ऑर्डर ने मॉक ड्रिल कराई है पुलिस वालों के साथ, इंटेलिजेंस के लोगों के साथ, खुफिया इकाइयों के साथ, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके साथ मॉक ड्रिल कराई है, और एक एक सुरक्षा व्यवस्था पर किए, सारे CCTV कैमरे पर के गए, और विधानसभा की जो अंदर की सिक्योरिटी होती है उससे भी बातचीत की, उनके अधिकारियों से बातचीत की है, किसी भी तरह का कोई अनहोनी ना होने पाए, कोई दिक्कत ना होने पाए। और चूंकि सामने ही भाजपा कार्यालय है, देखिए यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट होने लगा है, RAF की आप देख रहे हैं बसें खड़ी हुई हैं, वैन खड़ी हुई हैं, RAF आ चुकी है, इसी तरह से धीरे धीरे अब यहाँ पर पुलिस फोर्स, जो सुरक्षाकर्मी हैं, वो जुटना शुरू हो जाएंगे। विधानसभा के सामने भी आप देख रहे हैं कितने सारे लोग, ये RPF, RRF और RAF, PAC सब लोग
बैठे हुए हैं, यानी सभी लोग सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। जैसे जैसे 11 बजे का समय नज़दीक आता जाएगा, फोर्स बढ़ती जाएगी, बाहर भी और अंदर भी दोनों जगह पर ये फोर्स बढ़ती जाएगी सुरक्षा के मद्देनजर, चूंकि समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यक्रम इस तरह नहीं माना जा सकता। योगी जी ने कल कहा था, मुख्यमंत्री ने, कि कपोल कल्पना है, उनसे शांति की उम्मीद करना, और ये कहीं ना कहीं ये बात सही बैठती है कि जब समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, आंदोलन होते हैं, तो कार्यकर्ता इतने उत्साहित होते हैं, इतने जोशीले होते हैं कि वो मर्यादा लांघ जाते हैं, भूल जाते हैं कि कानून वाली व्यवस्था क्या है। लेकिन आज ये देखना होगा कि विधायकों का क्या रवैया रहता है, सदन के भीतर अपनी बात को कहने के लिए कौन सा जरिया अख्तियार करते हैं, जोश में होश खोते हैं या फिर शांति से अपनी बात कही जाएगी। हालांकि हंगामे के आसार तो पूरे दिखाई दे रहे हैं। विवेक शुक्रिया तमाम तस्वीरों के साथ जानकारी देने के लिए। देखिए सुरक्षा के मद्देनजर जो बदलाव किए जा रहे हैं, जो चीजें एक्शन दिखाई दे रही है वो हमने आप तक दिखाया पहुंचाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।